बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन का सालन, जिसके लिए आधा किलो चिकन लेके इसको हमने बॉयल कर लिया है। बॉयल हमने इसलिए किया है क्योंकि आजकल चिकन में बहुत सारी बीमारियों का सुनने में आ रहा है, इसलिए हमने इसे लहसुन अदरक और हल्दी डाल के बॉयल करके इसका पानी हमने फेंक दिया है। एक चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चें हमने ली हैं, एक चम्मच हल्दी हमने ली है, एक चम्मच धनिया हमने लिया है पिसा हुआ, दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, एक बड़े साइज़ की प्याज लेके इसको हमने कुटा कुटा कर लिया है, इसलिए ये थोड़ी सी मोटी है थोड़ी सी बारीक है, एक चम्मच नमक हमने लिया है और एक चम्मच हरी मिर्चों को घर में सुखा के लाल करके हमने इसका पाउडर बनाया है, एक चम्मच हमने इन लाल मिर्चों का लिया है, एक कटोरी दही हमने ली है और तीन से चार छोटे साइज़ के टमाटर लेके इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। आया अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तेल जलाएंगे क्योंकि हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको जला के इस्तेमाल करते हैं। डेढ़ प्याली तेल हमने लिया है, आप जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसको सिर्फ गर्म कर लीजिए। सबसे पहले हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, टमाटरों को 5 मिनट तक नरम करेंगे, उसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें भी शामिल करेंगे। टमाटरों को हम नरम करेंगे लेकिन हम इसके अंदर प्याज भी अभी डाल देंगे क्योंकि ये कुटी कुटी प्याज है, इसको हमने इमाम दस्ते में थोड़ा सा कूटा है। इन दोनों चीज़ों को हम 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं हमारे टमाटरों को पकते हुए, अभी घुटे नहीं हैं ये। अब हम इसके अंदर बाकी मसाले भी डालेंगे। सबसे पहले लाल मिर्चें डालेंगे, उसके बाद नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया, हल्दी, सूखी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें सूखी हुई घर की 1 चम्मच और दही। दही को हमने थोड़ा थोड़ा सा फेंट लिया है, बहुत ज़्यादा इसको फेंटना भी नहीं है। ये सालन बहुत इजी है और घर की ही चीज़ों से बन जाता है बगैर किसी बाज़ार के मसाले के। इसके अंदर मसाला है, दही का पानी है, जिसकी वजह से हमें इसे ज़रा तेज चूल्हे पे पकाना पड़ेगा। कलर इसका अभी तो बहुत अच्छा है और पक्के भी ये बहुत ज़्यादा जायकेदार हो जाता है। इसके अंदर सिर्फ घर की चीज़ें डली हैं जो घर में आमतौर पर मौजूद होती है। इसको अभी हम 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे ताकि पानी थोड़ा सा खुशक हो जाए और चीज़ें और गल जाएं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा साबुत धनिया भी शामिल करेंगे, ये देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। 10 मिनट इसको हो चुके हैं रखे हुए, अब हम इसे भूनेंगे। टमाटर घोटने की कोशिश करेंगे, जितने हद तक घुट सकेंगे घुट जाएंगे और जो रह जाएंगे उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। भुनने लगा है ये तेल, इसका काफ़ी हद तक निकल आया और टमाटर भी काफ़ी सारे घुट गए हैं। अब हम इसके अंदर मसाला हो चुका है हमारा तैयार, सालन भुन गया है, अब हम इसके अंदर मुर्गी डालेंगे। उसके बाद 10 मिनट के लिए नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसका ढक्कन लगाएंगे क्योंकि मुर्गी हमारी उबली हुई है पहले से ही, ये बहुत आराम से गल के हलवा हो जाएगी। सालन हो चुका है हमारा बिल्कुल तैयार, भुन भी चुका है ये और मुर्गी भी हो चुकी है हलवा। अब हम इसके अंदर 2 चुटकी कुटा कुटा गर्म मसाला डालेंगे और 2 चुटकी ही हम इसमें पिसी काली मिर्चें डालेंगे, इससे इसमें तेज़ी भी आ जाती है, खुशबू भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और जायका भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हम इसके अंदर मोटी और बारीक हरी मिर्चें डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। हो चुका है हमारा ये चिकन तैयार, इसको पकाना भी बहुत आसान है, इसका मसाला भी बहुत ज़्यादा आसान है, सब चीज़ें घर में ही मिल जाएंगी। हो चुका है हमारा ये चिकन का सालन एकदम तैयार, ये देख सकते हैं आप खुशबू किसकी इतनी अच्छी आ रही है और है भी ये कितना खूबसूरत।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।